हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करने का टेक्निक सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में तो विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, जब भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमें कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मिलता है, ठीक है, रेजिस्टिव नेटवर्क में कभी भी हम लोग को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मिलता है तो हम लोग उसको इजिली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? सो मान लीजिए अगर आपके पास कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेट्स से इट इज आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर एंड दिस रेजिस्टेंस इज आर फाइव। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं आर वन बाई आर टू रेशियो इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर, ये है कि नहीं। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको देखिएगा, R1 R4 दिस इज इक्वल टू R3 R2, ये कंडीशन होता है ना बच्चों, दोनों में से कोई हम लोग यूज करते हैं, या तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस रेजिस्टेंस रेशियो होना चाहिए। ठीक है, या फिर R1 इंटू R4, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, मीन्स R1 का R4 के साथ प्रोडक्ट इज इक्वल टू R2 इंटू R3। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं दिस इज पॉइंट, लेट से इट इज ए, इट इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का वैल्यू लोग पुट करके देखते हैं, आर वन बाई आर टू रेशियो इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर रेशियो, ठीक है, या फिर आर वन आर फोर इज इक्वल टू आर टू आर थ्री, ऐसा अगर होता है तो हम लोग बोलते हैं द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी और जंक्शन सी और नोड सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ जंक्शन डी, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब VC इक्वल टू बच्चों VD आता है। ठीक है, सो अगर ऐसा होने पर हम लोग बोलते हैं VC माइनस VD इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे होगा बच्चों, सो करंट क्या होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है बच्चों, सो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये नोड और ये नोड, ये जंक्शन सेम पोटेंशियल पे हो गया, सो इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, VC माइनस VD दैट इज जीरो। सो अगर इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में, इस नोड और इस नोड के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है सो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, आई इक्वल टू डी बाई आर। दैट मीन्स इस केस में अगर इस करंट को मान लो, अगर आई माने हो, सो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज इक्वल टू बी सी माइनस बी डी बाई आर। ठीक है बच्चों, सो दैट इज जीरो बाई आर, सो इट इज जीरो। सो हम लोग बोलते हैं कि करंट जो है इसमें जीरो है। सो अगर करंट जीरो होता है बच्चों, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि करंट इसमें जीरो है, सो कोई यूज नहीं है इसका, है ना। सो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होगा, हम लोग इस पाथ को ओपन कर देते हैं नेटवर्क में। ठीक है, सो जब ओपन कर देते हैं बच्चों, सो ये सर्किट क्या होता है, एक सिंपल सर्किट बन जाता है ना, जिसमें ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाता है, ये दोनों फिर सीरीज में हो जाता है और दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में चला जाता है। ठीक है, ये सर्किट रिड्यूस होकर कुछ इस तरह का बन जाता है, सिंपल फॉर्म आर वन प्लस आर थ्री देन इन पैरेलल विथ आर टू प्लस आर फोर। ठीक है बच्चों, और ये वोल्टेज सोर्स हम लोग लगा देते हैं उसे। ठीक है बच्चों, सो फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस के लिए आर वन प्लस आर थ्री सीरीज में हो जाता है, आर टू प्लस आर फोर सीरीज में हो गया, देन इसका इसके साथ हम लोग कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं पैरेलल में। ठीक है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट, इसका पूरा इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री, ठीक है, इंटू आर टू प्लस आर फोर। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो कैसे निकालते हैं, दोनों रेजिस्टेंस, मान लो दो रेजिस्टेंस आपके पास है, इट इज आर ए एंड दिस इज आर बी। ठीक है बच्चों, सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपली आर इक्विवेलेंट इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट आर ए आर बी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर बी, सिंपल है ये। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं, सो दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस प्लस दिस हो जाएगा, सो डेट इज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। ठीक है बच्चों, सो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो मान लो ये वाला करंट आपको निकालना है आई वन, सो बी बाई दिस आर इक्विवेलेंट, ये आई वन निकल जाएगा। देन फिर अगर बोल दिया आपको, मान लीजिए ये करंट निकालिए आई टू आई थ्री, सो इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे,
यही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा, यही पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा, ठीक है। सो दिस पोटेंशियल डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस है ना इक्वल टू आई टू, देन दिस पोटेंशियल है ना डिवाइड बाय आर टू प्लस आर फोर, सो दैट इज आई थ्री, ठीक है। या फिर आई वन पता चल गया, सो आई टू आई थ्री निकालने के लिए हम लोग करंट डिविजन यूज कर लेंगे, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो इजिली सारा कुछ कैलकुलेट हो जाता है बच्चों। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, सो जैसे देखो बच्चों इस केस में अगर ये 10 है ये 5 है, सिमिलरली अगर ये भी 10 होता है ये 5 होता है, सो हम लोग बोलते हैं 10 बाई 5 इज इक्वल टू 10 बाई 5 है ना, सो इट इज 2 इक्वल टू 2, करेक्ट है। मीन्स इसका इसका रेशियो इज इक्वल टू दिस बाय दिस, करेक्ट है, ठीक है। सो दोनों का रेशियो सेम आता है, सो हम लोग क्या करते इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, उसके बाद सीरीज दोनों, देन फिर ये दोनों सीरीज, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो जाता है, पूरा आर इक्विवेलेंट निकल जाता है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या है, सर्किट जो है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। मीन्स ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं है, दिस इज ए ब्रिज, द गिवन सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, ये सर्किट ब्रिज के फॉर्म में है, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज था ये, ठीक है। सो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको हम लोग अनबैलेंस्ड ब्रिज भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो अगर कोई नेटवर्क है, कोई रेजिस्टिव नेटवर्क है, सिमिलरली ये कैपेसिटर में भी अप्लाई होता है, कैपेसिटर के केस में भी अनबैलेंस्ड आपका आता है, ठीक है, इंडक्टर के केस में भी आता है, ठीक है। सो अगर मान लो इस तरह का अनबैलेंस ब्रिज आपको मिलता है कहीं पर, है ना, रेजिस्टिव नेटवर्क में कहीं बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, बीच में इस तरह का ब्रिज अगर मिलता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अनबैलेंस ब्रिज को सॉल्व करने का टेक्निक अलग है, और अगर बैलेंस्ड है नेटवर्क में कहीं बीच में बैलेंस ब्रिज आपको मिल रहा है, तो आप सिंपली उसको व्हीटस्टोन के कंसेप्ट पे निकाल देते हो, जो जनरल इसका बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट है उसको यूज करके आप निकाल देते हो। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड है, सो देखो बच्चों अनबैलेंस केस में कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पर देखो 10 बाई 5, ओके, सो 10 बाई 5 इज नॉट इक्वल टू 5 बाई 10, क्योंकि यहां पर 5 है यहां पर 10 है, सो दिस बाय दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बाय दिस, और दिस इंटू दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इंटू दिस, दोनों कंडीशन हमने बताया है। सो 25 इधर 100 हो जा रहा है, यहां पर देखो रेशियो लोगे सो इट इज 2, और ये वाला हाफ हो जा रहा है, सो दोनों क्या इक्वल है, नहीं है, सो ये अनबैलेंस है। सो अगर अनबैलेंस है बच्चों, सो इसमें देखो हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करने का बहुत ही इजी टेक्निक हम लोग यूज करेंगे इसमें, ठीक है, और इस टेक्निक को याद रखना है कैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो देखो सबसे पहले क्या करो, मान लो मेन ब्रांच का करंट जो है वो आई है, ठीक है। सो ध्यान से देखना, अगर इसका इक्विवेलेंट सारा का इक्विवेलेंट को हम लोग आर इक्विवेलेंट मान ले, तो ये सर्किट क्या होगा बच्चों, एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस होगा जो इसका इक्विवेलेंट होगा। सो दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, ठीक है बच्चों। सो अभी देखो करंट क्या है, हमने आई माना है ये करंट, यही करंट डिवाइड होगा, देन फर्दर यहां पे आई आ जाएगा, करेक्ट है। सो देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में मान लो दैट इज वी, मान सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसके थ्रू जो है एक बैटरी कनेक्ट कर दो, जैसे प्रीवियस केस में भी हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज में लिया था, ठीक है, कनेक्ट कर दोगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस इज द बैटरी वोल्टेज वी, ठीक है बच्चों। सो यहां पर वी का वैल्यू क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई देन आर इक्विवेलेंट, ओके। सो दिस इज वी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, सो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो बच्चों हो रहा है दैट इज वी बाई आई, करेक्ट है। सो कहने का मतलब हम लोग करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके इसके बीच का जो पोटेंशियल है ना, उसमें करंट से डिवाइड कर देना है, निकल जाएगा। सो सिंप्लिसिटी के लिए क्या करना, करंट भी जो है इसको आई मत मानू, इसको 1 एम्पियर मान लेना, लेट करंट एंट्रिंग इन द ब्रिज इज 1 एम्पियर, ठीक है। सो 1 एम्पियर जो जब लोगे, सो इफ आई इक्वल टू 1 एम्पियर, सो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, वी बाई 1, सो इट इज वी, सिंपली जो आपने सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट किया, ठीक है बच्चों। सो देखो इसका डिवीजन हम लोग करते हैं, सो जब डिवीजन करोगे बच्चों, सो 1 एम्पियर करंट है, मान लो यहां पर I1 चला गया, सो अगर ये I1 हो जाएगा, सो ये वाला करंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस I1 ना, क्यों, किसी भी जंक्शन पर नोड पर अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट 0 होता है, मीन जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउट गोइंग होगा, सो इनकमिंग इज 1, सो आउट गोइंग अगर ये I1 होगा, सो दिस 1 माइनस I1, क्योंकि इसी करंट में से I1 चला गया, सो इधर क्या जाएगा,
आई माइनस आई वन, सो दोनों को सम करके देखो वन ही आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें से मान लो आई टू चला गया इधर, ठीक है, सो ये करंट यहां आया आई वन, इसमें से आई टू निकल गया, सो बचा क्या, आई वन माइनस आई टू ना बच्चों, ठीक है। अब देखो ये करंट आएगा यहां पर, फिर ये भी यहां आएगा, दोनों एड होगा, सो आई वन यहां माइनस आई वन कैंसल हो गया, सो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज वन माइनस आई टू, ठीक है। उसके बाद ये यहां आएगा आई टू, और ये वाला करंट जाएगा वन माइनस आई टू यहां पर, सो दोनों जब एड होगा तो आई टू कैंसिल हो जाएगा, सो यहां पर आई इक्वल टू वन एम्पियर आइजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। सो जब ऐसा हो गया तो आपको निकालना क्या, एक्चुअली बी निकालना है, डेट इज बी ए माइनस बीबी निकालना है। सो बच्चों देखो बी ए माइनस बीबी कई तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप इस पार्ट में चलो इस तरह से, लेट से दिस इज ए बी, सो दिस इज सी, दिस इज डी, सो बी ए बी क्या हो सकता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस देन दिस देन दिस, ठीक है, सो बी ए बी आ जाएगा, या फिर दिस प्लस दिस, ऐसे किसी भी एक पाथ को पकड़ लो, इंटर करो यहां से और फाइनल यहां से निकल जाना, फिर या फिर दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस दिस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू दिस बी, ठीक है बच्चों। सो इतना कर सकते हैं, सो देखो बी ए बी का वैल्यू निकालो, बी ए बी, सो बी ए बी क्या हो जाएगा, सिंपली बी ए सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी बी, ठीक है, देन बी ए बी आने तक क्या हो जाएगा, इट इज ए सी प्लस सी बी, बी ए सी प्लस बी सी बी, देन अगेन बी ए बी, अगर इधर से चलोगे ऐसे सो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू बी ए डी प्लस बी डी सी प्लस बी सी बी, करेक्ट है। अब तीनों इक्वेशन को प्रॉपर लिख दीजिए, सबसे पहले इसको आ जाए बी ए बी को लिखते हैं बच्चों, सो बी ए बी को जब लिखोगे सो क्या हो जाएगा, देख लो बी ए बी का वैल्यू पहला वाला यूज कर लो, सो बी ए सी, सो कितना हो जाएगा, टेन आई वन, सो इट इज टेन आई वन, देन इसमें मल्टीप्लाई करो आई वन माइनस आई टू इंटू फाइव, सो इसको एड कर दो बी सी डी हो गया, देन दिस ड्रॉ, सो प्लस वन माइनस आई टू इंटू टेन, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, सो देखो टेन आई वन देन फाइव आई वन, सो इट इज फिफ्टीन आई वन माइनस फाइव आई टू माइनस टेन आई टू, सो इट इज माइनस फिफ्टीन और माइनस फिफ्टीन आई टू, और ये बच गया प्लस टेन, ठीक है बच्चों, सो दिस इज बी ए बी फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकेंड कितना हो जाएगा, टेन आई वन प्लस फाइव आई टू ये वाला, सो बी ए बी अगेन क्या आ गया, टेन आई वन प्लस फाइव आई टू सेकेंड इक्वेशन, देन थर्ड बनाओ बच्चों, सो थर्ड देखो क्या हो जाएगा, इस पाथ को चूज करोगे है, ठीक है, सो देखो वन माइनस आई वन देन फाइव प्लस, देखो अब इसमें क्या हो रहा है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस माइनस हो जाएगा यहां पर, माइनस आई वन माइनस आई टू देन फाइव प्लस फाइव आई टू, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करो, सो देखो फाइव माइनस फाइव आई वन माइनस फाइव आई वन, ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस फाइव आई टू प्लस फाइव आई टू, ठीक है बच्चों, सो देखो ये फाइव हो जाएगा, ठीक है, माइनस टेन आई वन प्लस टेन आई टू, ठीक है बच्चों, दिस इज थर्ड, ठीक है। अब क्या करो, इसमें दो सेट बना लो, वन टू को एक साथ ले लो, ठीक है, फिर वन थ्री को ले सकते हो या फिर टू थ्री को ले लो, दो इक्वेशन बना लो, इस तीन को रिड्यूस करके दो में कन्वर्ट करो, सॉल्व करो, आई वन आई टू का वैल्यू निकालो, ठीक है, सो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसका तो जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं, हाँ? इतना कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, सो सबसे पहले आप इस दोनों को एक साथ ले लो, है ना, सो टेन आई वन फिफ्टीन आई वन है, ठीक है, इट इज फिफ्टीन आई वन माइनस फिफ्टीन आई टू प्लस टेन, है ना, इक्वल टू
दोनों पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही है, सो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. सो इट इज 10 आई वन प्लस 5 आई टू. ठीक है बच्चों, सो देखो इसको इधर ले जाओ, सो 5 आई वन हो जाएगा. ठीक है, देन इसको इधर ले जाओगे माइनस 20 आई टू है ना, प्लस 10 इक्वल टू 0. इसको मान लो अपना काम का इक्वेशन है, सो दिस इज 4th. ठीक है, देन फिर इसमें जो सिंपल लगे बचा हुआ दो कॉम्बिनेशन कोई भी ले लो. सो इसको ले लीजिए. ठीक है, सो इट इज 10 आई वन प्लस 5 आई टू, 10 आई वन प्लस 5 आई टू इक्वल टू 5 माइनस 10 आई वन प्लस 10 आई टू. ठीक है बच्चों, सो इसको सॉल्व करो. देखो इसको इधर लेके आओ, 20 आई वन हो गया, देन इसको इधर लेके आओ, माइनस 5 आई टू हो गया इक्वल टू 5 हो गया बच्चों. ठीक है, 5. सो इक्वेशन भी 5 बन गया. ठीक है, वैल्यू भी 5 है. दोनों को सॉल्व कर लो. ठीक है, सॉल्व करो. सॉल्व 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5. ठीक है बच्चों, सो देखो 4 एंड 5 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इसके 1, 2, 3 में से है कोई भी दो का कॉम्बिनेशन लेके दो बार जो है आप दो इक्वेशन डेवलप कर लेना. ठीक है, सो इस दोनों को सॉल्व करो. सॉल्व करोगे आई वन आई टू का वैल्यू निकल जाएगा, सो इजिली आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है बच्चों, सो देखो अभी सॉल्व कर देते हैं दोनों को. सो 5 आई वन है माइनस 20 आई टू है इक्वल टू माइनस 10, और ये है 20 आई वन माइनस 5 आई टू इक्वल टू 5. ठीक है बच्चों, है ना, सबसे पहले आई वन का वैल्यू निकालो. ठीक है, सो माइनस करना पड़ेगा. सो देखो इसमें क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 से मल्टीप्लाई करोगे देन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों. ठीक है, सो देखो अभी 5 आई वन और माइनस 5 आई वन और ये माइनस हो जाएगा आपका 4 इंटू 20, सो 80 आई वन. ठीक है बच्चों, देन ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 20 आई टू और ये 5 इंटू 4 20 हो गया. ठीक है, और आप माइनस कर रहे हो, सो ये माइनस से प्लस हो गया, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, देखो इट इज माइनस 10 माइनस 20. ठीक है बच्चों, सो देखो ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 75 आई वन इक्वल टू माइनस 30. सो बच्चों आई वन का जो वैल्यू आएगा डेट इज 30/75. ठीक है, सो 15 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, 2/5 एम्पियर. ठीक है, सो आई वन का वैल्यू 2/5 एम्पियर आ रहा है. सो इसको यूज करके फिर आई टू का निकाल लो. सो देखो 5 आई टू क्या हो जा रहा है, इट इज 20 आई वन माइनस 5. ठीक है बच्चों, सो 20 आई वन का वैल्यू 2/5 माइनस 5, सो देखो कितना हो गया, 8 माइनस 5, सो इट इज 3. सो बच्चों आई टू का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 3/5 एम्पियर. ठीक है, आई टू का वैल्यू 3/5 एम्पियर और आई वन 2/5 एम्पियर. ठीक है बच्चों, सो अब देखो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली आर इक्विवेलेंट निकालना है. सो पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए ना इसके इसके अक्रॉस, बस. सो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए क्या करोगे, दिस प्लस दिस कर दो, सिंपल है ना. आई वन 10 आई वन इंटू 10 प्लस 5 आई टू. ठीक है, सो वी एवी का वैल्यू निकाल दो, सो इट इज 10 आई वन प्लस 5 आई टू. ठीक है, सो 10 आई वन का वैल्यू देखिए हम लोगों ने यहां निकाला है 2/5. ठीक है, प्लस 5 इंटू आई टू का वैल्यू देखो 3/5 निकाल रहा है. ठीक है बच्चों, सो देखो 5 से 2 टाइम दिया, सो इट इज 4 प्लस 3, सो कितना आ गया बच्चों, 7 ना. ठीक है, 4 प्लस 3, सो इट इज 7 वोल्ट. क्लियर है, सो देखो करंट हम लोग कितना माने हैं, 1 एम्पियर. सो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी, सो दैट इज इक्वल टू 7. ठीक है बच्चों, सो इट इज सिंपल, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 7. अदरवाइज आप इसको अगर आई मानते तो यहां पर वी बाई आई रेशियो निकालना पड़ता. सो वी जो होता है ना बच्चों, उस केस में वो आई के टर्म में आता है, ये वाला वी आई के टर्म में आता है. ठीक है ना, और डिवाइड बाई आप आई करते. ठीक है, सो दैट इज यहां पर 7 आई आता है और 7 आई डिवाइड बाई आई करते, आई आई कैंसिल होता है, सो 7 ओम ही आता है. ठीक है बच्चों, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है इस तरह का सर्किट को सॉल्व करने का, कर सकते हो. ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट भी आएगा. सो कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, सो वहां चार्ज का वैल्यू 1 कूलम मान लेना है. ठीक है, उसके बाद
केवीएल लगाना है आपको, ठीक है, वोल्टेज ऐड करते चलना है, ना तीन अलग अलग पार्ट में इक्वेशन डेवलप करना है, दो उसमें सेट रिड्यूस कर लेना है, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, चार्ज का वैल्यू निकाल लोगे सारा कुछ, उसके बाद डेवलप हो जाएगा सेम कंसेप्ट पर, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो है अनबैलेंस सर्किट को बच्चों सॉल्व करते हैं, ठीक है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर है। इसको एक और तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जो हायर स्टडीज के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। सो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके भी इसको हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि देखो इसको कभी हम बताएंगे, है ना, आप लोग सिलेबस में नहीं है, कभी इसको हम लोग बताएंगे, लेकिन जस्ट एक आइडिया आपको हम दे देते हैं, देख लीजिए। जैसे इस सर्किट को देखो बच्चों, ये वाला सर्किट देख रहे हो ना, सर्किट का ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है या ये वाला पार्ट, ये डेल्टा है बच्चों, ठीक है, इसको डेल्टा बोलते हैं, मीन्स तीन रेजिस्टेंस आपस में इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट तो कॉमन है, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी देखो इसको सीधा कर दो ऐसा हो जाएगा। सो बेसिकली ये क्या है, वन टू थ्री ये रेजिस्टेंस डेल्टा बना रहे हैं। सो इस डेल्टा को अगर स्टार में कन्वर्ट कर दोगे ना, सो इक्विवेलेंट निकल जाएगा। सो देखो इस डेल्टा का स्टार ऐसा होगा, ठीक है, इस स्टार का वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, स्टार का वैल्यू का प्रॉपर फॉर्मूला से कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करके देन वैल्यू पुट करोगे। सो अगर स्टार में कन्वर्ट करोगे देखो ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, ये भी हट जाएगा बच्चों, ठीक है, ये भी हट जाएगा। सो एक दो तीन ये तीनों जंक्शन के बीच में कनेक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, ये ब्लू वाला जो लाइन है इस तरह का हो जाएगा, मीन्स ऐसा कनेक्शन होगा, ठीक है, देन इस तरह का कनेक्शन होगा, देन इस तरह का कनेक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो यहां पर देखो ये सिंपल हो गया, कैसे, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, इसका और इसका पैरेलल निकाल लोगे, सो ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ फिर सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लोगे निकल जाएगा। सो ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड इज आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है, डेल्टा का स्टार में कन्वर्जन, इसका फॉर्मूला से वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। सो आपके सिलेबस में चूंकि नहीं है इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, अदरवाइज कभी बता देंगे आप लोगों को फिर से वीडियो बनाकर इसके लिए अलग से, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग सिंपल तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज जो अनबैलेंस्ड है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो ध्यान से देखिएगा कभी किस तरह का नेटवर्क का रहता है आपका, सो हड़बड़ा के उसको नहीं सॉल्व कर देना, पर चेक कर लीजिएगा वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर अनबैलेंस है सो सिंपल वे में चलना है, वन एम्पियर करंट मानिए, ठीक है, आर इक्विवेलेंट बी के बराबर होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो आप लोग देखते रहिए, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए, हम इसी तरह से कंसेप्ट लेके आप लोगों के सामने आते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है, और आप लोगों का हेल्प करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक करिए, लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सो इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाने का जो है मन करता है, ठीक है, और नए नए वीडियोस और अच्छे से कंसेप्चुअल वीडियोस बना के आप लोगों को देने का मन करता है, ठीक है बच्चों। सो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और जितना हो सके दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।